Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. सनातन धर्म में अमावस्या के दिन पूजा, जप तप और दान आदि करने का विधान है। साथ ही गंगा स्नान भी किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इन शुभ कार्यों को करने से जातक के अनजाने में किए हुए सारे पाप कट जाते हैं। इसके पश्चात विधि पूर्वक से भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा करने से जातक को अमोघ फल की प्राप्ति होती है। आश्विन माह की अमावस्या को सर्वपित्र अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लगेगा। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ कार्यों को करने से जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पंचांग के अनुसार आश्विन माह की अमावस्या यानी 2 अक्टूबर को वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसी वजह से यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य देव के मंत्र का जाप करें, साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करना जातक के लिए फलदायी साबित होता है। सूर्य ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें, पूजा अर्चना करने के बाद श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में दान करें।